أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dear students and dear friends unique college of mark campus के platform से professor अहमद रजा आपकी खिदमत में हाजिर है। एक सिलसिला चल रहा है जिसमें हम लोग ऑनलाइन और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इसी सिलसिला के सामने रखते हुए हम लोग आज बिजनेस स्टडीज के लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मीन, मीडियन और मॉड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, लेकिन आज के लेक्चर्स के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के सामने रखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। आज मैं वो प्रॉपर्टीज आपके साथ ना सिर्फ शेयर करूंगा बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो मैं राइट ऑन की हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सम ऑफ डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज जीरो, ठीक है। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी डेटा का डेविएशन का सम करेंगे, नाउ द क्वेश्चन राइट इज व्हाट इज मेंट बाय डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन बेसिकली x माइनस x बार को डेविएशन करना है। वैसे d डेविएशन से है, d इज इक्वल टू x माइनस a। जब आप अपने डेटा में से किसी भी कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड d, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इससे पहले आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सम d ओवर n, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो d है इससे दैट इज कॉल्ड d, d स्टैंड फॉर डेविएशन। वो कहते हैं प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर हम सम ऑफ डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज जीरो, यानी सम x माइनस x बार इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ वी डिस्कस अबाउट ग्रुप डेटा सम f x माइनस x बार इज इक्वल टू जीरो। सो जैसे मेरे पास एक डेटा दिया है x 1 2 3 4 and 5, अब हम क्या करते हैं इसका मीन लेते हैं। अरिथमेटिक मीन फाइंड करें मेरा बेटा, दैट इज इक्वल टू सम x ओवर n, यानी सारे x को ऐड करें और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें तो दिस इज कॉल्ड अ मीन। फॉर एग्जांपल 1 plus 2 3, 3 3 plus 6 6 4 10, 10 plus 5 15, तो 15 divided by 5 आंसर इज इक्वल टू 3। अब मुझे डेविएशन चाहिए। डेविएशन बेटा क्या होता है? x माइनस x बार, यानी x की वैल्यू 1, x बार की वैल्यू 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अगर इन सब को ऐड करेंगे तो आप देखिए आपका आंसर 0 आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी जो ये कह रही है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ एनी डेटा from its arithmetic mean is zero। तो ये बात बड़ी अच्छे तरीके से आपने समझी कि deviation को हम जब भी solve करेंगे हमेशा zero के बराबर है। इसके अलावा अगर यही data हमारा group data के form में है, ठीक है, जैसे दिया हुआ 1 2 3, frequency दी गई है 1 1 and 2 for that। हम सबसे पहला इसमें क्या था x minus x bar, लेकिन I know that कि जब मुझे x बार चाहिए तो x बार इक्वल टू सम f x ओवर सम f, इसका मतलब क्या होगा? क्या सबसे पहले f x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे? 1 1 द 1 2 1 द 2 2 3 द 6, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका टोटल हमारे पास इसके बराबर आ रहा है 6 और 2 8 8 और 1 9, तो यहां पे हम लिख देते हैं 9 डिवाइडेड बाय 1 और 1 2 2 और 2 4। अगर थोड़ी देर के लिए 9 डिवाइड बाय 4 आपके पास कुछ स्पेसिफिक आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट कॉलम जो आपको बनेगा वो होगा x माइनस x बार, यानी ये वाला x, ये वाला x बार आप सबको टोटल करेंगे तो आपका आंसर फिर भी 0 आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर 0 इस टर्म में आएगा कि आपको पहले x माइनस x बार बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप एक कॉलम बनाएंगे f इनटू x माइनस x बार, इसका जो टोटल होगा
वो मेरा बेटा वो भी जीरो के बराबर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यू नीड एक्स, यू हैव अ एफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द एफ एक्स, मीन एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। फॉर फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन सम एफ एक्स इज इक्वल टू 9, एफ का टोटल दैट इज इक्वल टू 4, तो 9 डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद आपको निकाल सकता है। अब आप एक्स की हर वैल्यू में से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू माइनस करते जाएं और जो आंसर आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। So at the end you can find the answer that is equal to 0. So first property we can understand very well that sum of the deviation from its arithmetic mean is equal to 0. अब हम उसके आगे second property में जाते हैं। Second property कहती है जो basically किसी हद तक link create कर रही है first property का। वो कहते हैं sum of square of deviation from arithmetic mean is least. अब कुछ जगहों पे मेरा बेटा minimum भी लिखा हो। Minimum, minimum का मतलब यहाँ भी ये है कि आपका data कभी भी minus में नहीं आए। Your data never be mentioned in the form of minus. यानी कभी भी minus में show नहीं होगा। तो so जैसे problem इसके लिए आप write करेंगे sum x minus x bar का whole square is always less than the sum x minus a का whole square. और इसी तरह सम f x minus x bar का होल स्क्वायर लाइक दैट दिस इज द फॉर्म ऑफ अनप्रूव डेटा एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रूव डेटा। नाउ दिस इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यू माय स्टूडेंट कि आप लोग जब ये प्रॉपर्टी राइटिंग करें पहले प्रॉपर्टी राइटिंग कर लें, ठीक है, ये पूरी पूरी पिक्चर्स को अपने पास सेव कर लें और उसके बाद आप जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे तरीके से लिसन करें। तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज लीस्ट और मिनिमम। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ना मजीद एनहांस करने के लिए x माइनस x बार का होल स्क्वायर लेते हैं। तो याद रखें आपका डेटा कभी माइनस में नहीं आएगा। माइनस का स्क्वायर बेटा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 और 4 आ गया। आप देख सकते हैं आपका टोटल आंसर 10 है। हो सकता है सम टाइम यहाँ पे डेटा आपका माइनस में चल रहा था लेकिन माइनस के स्क्वायर फॉर्म में जाएगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा। तो कभी भी स्क्वायर फॉर्म आपके हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर में नहीं आएगा। तो ये जो मिनिमम और लीस्ट का वर्ड दिया हुआ है इट विल शो दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके साथ मैंने शेयर की। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने राइट ऑफ द दोस्तों को एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज अ राइट वे टू फाइंडिंग दिस एनालिसिस। आई होप सो कि आपको समझ लग गई। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के लिए काम करने जा रहा हूं। तो जी है बेटा, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी सेज इफ मीन ऑफ वेरिएबल x इज x बार, यानी x का जो अरिथमेटिक मीन है वो x बार हो एंड x एंड y आर लीनियर रिलेटेड, यानी वो आपस में लीनियर फॉर्म के अंदर होंगे, तो देन y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो y मेरा बेटा किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द y बाय बार। a किस पे कन्वर्ट होगा, एज कांस्टेंट ले लेगा, b कोफिशिएंट है एज ले लेगा और x किस पे कन्वर्ट होगा, x बार। वो कहता है इफ मीन ऑफ वेरिएबल x इज कॉल्ड x बार एंड x एंड y आर लीनियर रिलेटेड टू ईच अदर देन y इज इक्वल टू a प्लस bx इज इक्वल टू बेटा किस पे लेगा, y bar is equal to a plus bx bar। जैसे for example इसके लिए मैं reference आपके साथ discuss कर रहा हूँ। अभी हम पहले example number 11 discuss करेंगे और इसके बाद जो आपकी bookish question है question number 3.22 उसका a and b ये दोनों parts basically इसी properties के साथ attach हैं। तो आप example number जो 11 में रहता हूँ मुझे कह रहा है कि if y is equal to 10 plus 4x whereas x bar is equal to minus 2। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, कुछ ये कह रहे हैं कि y, मैंने आपको बोला अभी डिस्कस किया था कि y is equal to a plus bx, तो y bar बेटा किसके बराबर आएगा, 10 minus 4 x bar। तो जी मेरे बेटा मैंने कहा y is equal to 10 plus 4 x, according to you have to compare this equation with this equation, y is equal to convert in y bar and x will be converted into x bar. Now put the value of x bar is equal to minus 2
वी हैव आंसर लाइक दिस वन y बार एलसीएम में हमें आ जाएगा 10 माइनस 4 x बार की जगह माइनस 2 ट्राई टू कर दें तो y बार इज इक्वल 10 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 सो y बार इज इक्वल टू 18। अब इसी तरह इसी चीज को सामने रखते हुए मैंने आपसे बात शेयर की कि रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 3.22 का a एंड b ये दोनों इसी तरह से अटैच हैं। अब वापस अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू if y is equal to 100 minus 25x वो कहता है फर्स्ट पार्ट में find the value of y bar when x bar is equal to 3 यानी ये मुझे कह रहा है मेरे बेटा कि आपके पास स्टेटमेंट गिवन है कि y is equal to 100 minus 25x अब y bar की वैल्यू को फाइंड करें व्हेन x bar is equal to 3 तो आप लिखेंगे y converted into y bar 100 minus 25 x bar क्या मेरा बेटा आप लिख देंगे 3 तो आएगा y bar is equal to 100 minus 75 तो y bar is equal to 25। इसी तरह इसके अगर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं तो सेकंड पार्ट मेरा बेटा ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x bar आप x bar की वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन y bar is equal to 25 यानी सेम स्टेटमेंट वही आप दोबारा राइट डाउन करें और आप देखेंगे वो कह रहा है कि y is equal to 100 minus 25x so y bar is equal to 100 minus 25x bar so if you put that value y bar is equal to 25 आप यहां पे लिखते 25 100 as it is minus की जगह minus 25x bar as the question mark here तो according to statement here सबसे पहले मेरा बेटा 100 जो है ना यहां प्लस हो रहे थे क्या हो जाएगा माइनस तो that we have to see 25 minus 100 is equal to minus 25 x bar that is equal to minus 75 is equal to minus 25 x bar minus will be cancelled to each other so 25 will be multiplied with x bar and it will be divided on the other side so 75 over 25 so x bar मेरा बेटा किसके बराबर आएगा 3 तो आप देख सकते हैं कि यहां प्रूफ हो गया कि अगर x bar is equal to 3 था तो y bar is equal to 25 यानी y bar is equal to 25 तो our answer will be is equal to 3 तो ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन इसका अगर हम डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.22 का बी पार्ट जो बी पार्ट है वो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन से उसे अडॉप्ट किया और उसने सारा राइट डाउन किया था वो भी साथ आपको मैं शेयर करता हूं उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3.22 बी पार्ट आपके लिए वो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3.22 उसका बी पार्ट हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज इक्वल टू y माइनस 10 y इज इक्वल 10 माइनस 4x अकॉर्डिंग टू बेटा क्वेश्चन नंबर 3.22 के अंदर आपको डेटा गिवन है इट विल बी x माइनस 3 टिल 5 इन माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट अप्लाई कर रहे हैं इसे लीनियर फॉर्म में तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4x अब ऐसा करें कि 10 माइनस मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं 10 माइनस 4 x बार की वैल्यू मेरा बेटा क्या थी माइनस 3 तो आप 10 माइनस माइनस प्लस 4 थी 12 तो आप देख सकते हैं आंसर 22 आ गया। इसी तरह आप तो जब माइनस 2 पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 आप देखें कि जो जो x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है आपकी y की वैल्यू साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है। अब हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन के मुताबिक मेरा बेटा ये है कि आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है क्वेश्चन था कि y is equal to 10 minus 4x y is equal to 10 minus 4x and if we convert y into y bar then it will be say 10 into x convert into x bar। अब क्वेश्चन ये है कि हमें y bar की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो y bar की वैल्यू जब रिक्वायर्ड होगी तो y bar is equal to sum y over n so sum y बेटा किसके बराबर है 54 n है 9 आंसर क्या आएगा 6 मैं यहां पे 6 लिख देता हूं 10 की जगह बेटा 10 4 की जगह 4 x bar अब क्वेश्चन राइज कि x bar क्या होगा तो x bar के लिए मेरा बेटा फार्मूला था sum x over n तो 9 over 9 is equal to 1 यहां पे 1 आ जाएगा 6 is equal to 10 minus 4 4 1 the 4 तो 6 is equal to 6 आंसर आ रही है तो आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरा बेटा किसके है राइट हैंड साइड तो ये था एक लॉ क्वेश्चन
जो हमने देखा जिसमें x की वैल्यू को मैंने y में कन्वर्ट किया और फिर इसको प्रूफ कर दिया। मैंने अगर इसको एनालिसिस करें तो पिछले 3-4 साल 5 साल पास पेपर्स के अंदर इसमें बहुत दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू हैव टू डिस्कस विद अस। तो जी बेटा, नाउ मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये बेसिकली दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड कंबाइंड मीन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शेयर विद यू दैट इट सेड टू अस इफ मीन्स ऑफ n1 n1 स्टैंड फॉर कुछ डेटा दिया हुआ है उसकी क्लास, जैसे मैं कहता हूं n1 स्टैंड फॉर एफएससी, n2 स्टैंड फॉर आईसीएस एंड n3 स्टैंड फॉर आईओ। मैं कहता हूं कि n1 जो एक क्लास है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 है, n2 हमारे पास एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स है और आईओ के अंदर 50 स्टूडेंट है। अब टिल nk यानी कि n1 n2 n3 टिल nk सेट ऑफ वैल्यूज आर देयर मींस x1 बार x2 बार x3 बार टिल x बार k रिस्पेक्टिवली दैट मीन ऑफ ओवरऑल वैल्यू यानी सारी वैल्यूज का जो मीन होगा उसके जो आप फार्मूला ट्रीट करेंगे इट द आंसर से x बार c x बार हमेशा कैपिटल होगा c के साथ इधर छोटा सा c डालिएगा दैट इज n1 x1 बार यानी n1 को फर्स्ट मीन को मल्टीप्लाई करें प्लस n2 x2 बार सेकंड नंबर को सेकंड मीन के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस n3 x3 बार थर्ड नंबर को थर्ड मीन के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड दिस इज द फार्मूला हियर। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टू बी डिस्कस विद द एग्जांपल ऑफ दिस बुक, सो से के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उनके आगे मीन दिए हुए हैं एवरी पास, जैसे टोटल 55 स्टूडेंट थे और उनके एवरेज स्कोर 80 है। इसी तरह सेकंड सेक्शन था उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 थे और उनके एवरेज पास दिस वन। इसी तरह थर्ड क्लास है आई को जैसे बोलने वाला 50 स्टूडेंट्स है उनके एवरेज नंबर 70 है। हम क्या करेंगे कि तीनों वैल्यूज को पुट अप कर दें, जैसे n1 55 n2 इज इक्वल टू 60 एंड n3 इज इक्वल टू 50। इसी तरह मीन की जगह मीन के पुट अप करते जाएं और आपको वैल्यू पुट करने के बाद सबको ऐड करते हुए नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू मेरा बेटा 1240 डिवाइड को 190 करेंगे तो आंसर विल बी 675.11। ये था एग्जांपल के क्वेश्चन विद द सेम पैटर्न पे मेरा बेटा। जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3.21 यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका जो रेफरेंस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3.21 है। इसके अंदर भी मेरा बेटा अगर आप देखें ए पार्ट बी और सी को डिस्कस करते हैं तो सेम पैटर्न इसके अंदर आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो मेरा बेटा ये आपका बुकिश क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि इन अ क्लास देयर आर 45 बॉयज एंड दे हैव अ वेट एवरेज वेट दैट इज 125 पाउंड व्हाइल ऑन द अनदर क्लास देयर आर 40 गर्ल्स एंड दे हैव अ एवरेज मीन वेट इज 120 पाउंड while in the class that is there are the 5 teachers and they have the average weight is 130 pound. According to this phenomena, when you have to attempt this question, you have to use the combined mean formula. So combined mean formula that is n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar divided by n1 plus n2 plus n3. So with the help of this formula, you can put the values of different numbers and according to their strengths, and you have to put the values of their means. And after calculation of this mean answers, you have the answer to someone say कि हमारे पास कोई answer आ जाए तो वही वाला full answer बन जाएगा। तो ये बड़ा important question था paper point of view से और हमारे syllabus point of view से। इसके अलावा आपकी question number 3.21 जो है आपकी book के अंदर जो दिया हुआ है वो भी आपके साथ share कर लेता हूँ। उसमें लिखा हुआ था एवरेज डेली वेट ऑफ 4 मेन यानी के मेन मींस नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 एंड देयर एवरेज डेली वेट यानी कि जो डेली वेट है x बार दैट इज इक्वल टू 2000 दिया हुआ है। इसी तरह आगे कहते हैं कि व्हाट इज द डेली एवरेज ऑफ फर्दर 6 मेन यानी कि 10 लोगों की सैलरी टोटल पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 10 लोगों की सैलरी कितनी होगी if the average daily wage of these men and if the average daily wage of all 10 men yani ke 10
दस लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो मेरा बेटा किसके बराबर है 2500 के बराबर है। अब क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आप कंबाइन इनकम फार्मूला लिखिए, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वो कहता है कि कंबाइन जो 10 लोगों का दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2500। आप यहां पे बेटा इसकी वैल्यू लिखिए 2500। n1 आपको कितना था 4 और उनका मीन किसके बराबर था दैट इज इक्वल टू 2000। इसी तरह n2 वो कहता है कि हमें नहीं पता जो आप 6 लोग हैं उनका डाटा आप लोगों ने बताना है, वो यहां पे आप लिखते हैं x2 बार और n1 और n2 को ऐड करें तो 4 प्लस 6 बेटा आप लोग बने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इस पूरे को सॉल्व कर दें ठीक है, और उसके बाद इसका आप लोगों ने आंसर दे देना है। तो दैट्स 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो ये 10 आ जाएगा 2500, 10 का पे डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू 8000 प्लस 6 x2 बार। बड़ा आसान सा भी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व द आंसर हियर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दैट इज 25800 प्लस हो जाएगा बेटा क्या लेगा आपका डिवाइड हो जाएगा और सॉरी माइनस हो जाएगा फाइनली जो 6 मल्टीप्लाई करें इसे डिवाइड करने के बाद आपका x2 बार का आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी का अरिथमेटिक ब्रीफ डिस्कस किया। चार प्रॉपर्टी थी, हर प्रॉपर्टी से रेफरेंस नंबर जितने भी हमारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस थे मैंने बेटा आपके साथ शेयर किए। आई होप सो कि आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा हेल्पफुल था हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप सो कि आप सब पहले से रहेंगे और घर में रहकर घर जैसा माहौल तो मुश्किल है लेकिन कॉलेज जैसा माहौल बनाकर रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके वालिदैन आपके टीचर्स और तमाम कायनात की फिरौती बना के रखे। आमीन।